हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप ऑडेसिटी करके जो सॉफ्टवेयर आता है उसे इंटरनेट से आपको कैसे डाउनलोड करना है और अपने कंप्यूटर पे उसे कैसे सेटअप करना है। ऑडेसिटी करके जो सॉफ्टवेयर है इसका यूज किया जाता है एक ऑडियो फाइल को एडिट करने के लिए या फिर एक माइक्रोफोन से ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। मैं अपने खुद के भी यूट्यूब वीडियोज के जो ऑडियो है उनको इसी सॉफ्टवेयर में एडिट करता हूँ। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल सर्च पर जाना है, ऑडेसिटी लिखना है, एंटर दबाना है। ऑडेसिटी यहाँ पे लिखने के बाद गूगल सर्च पे जो फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा आपको उसको ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है और क्योंकि मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर देता हूँ। इंटरनेट से आपने जिस भी फोल्डर के अंदर ऑडेसिटी वाले सॉफ्टवेयर का सेटअप डाउनलोड किया आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है। सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये सेलेक्ट सेटअप लैंग्वेज का जो विंडो आएगा इसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके यहाँ पर ये वेलकम टू ऑडेसिटी सेटअप आएगा, इसमें आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने डेस्टिनेशन फोल्डर आएगा, ये वो लोकेशन होता है जहाँ पे ऑडेसिटी का जो है इंस्टॉलेशन फाइल्स जाके सेव होता है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं ब्राउज वाले बटन पे क्लिक करके। उसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट का क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा कि क्या आप डेस्कटॉप पे ऑडेसिटी का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। तो मैं तो नहीं चाहता था तो मैंने यहाँ से टिक मार्क हटा दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होने के बाद आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन करके जो एक विंडो आएगा इसमें आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक कम्प्लीट वाला विंडो आएगा, इसमें आपको फिनिश पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि फिनिश पे क्लिक करते ही ऑडेसिटी जो है रन होके आ जाए तो आप लॉन्च ऑडेसिटी पर जो टिक मार्क लगा देंगे, अगर नहीं चाहते तो आप उसे हटा देंगे। फिनिश पे क्लिक करिए। जैसे आप करेंगे तो अगर आपने लॉन्च पर जो टिक मार्क लगा रखा था तो फिर ऑडेसिटी आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद जब आप पहली बार ऑडेसिटी को रन करेंगे तो आपके सामने ये वेलकम टू ऑडेसिटी वाला विंडो आएगा। इसमें आपको नीचे की तरफ जाके लेफ्ट हैंड साइड पे डोंट शो दिस अगेन एट स्टार्टअप वाला जो ये टिक मार्क है वहां पे उससे टिक मार्क हटा के ओके पे क्लिक कर देना है और आपका जो ऑडेसिटी है वो सक्सेसफुली आपके कंप्यूटर पे अब इंस्टॉल हो चुका है।